हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कायरल मॉलिक्यूल एनांशियोमर्स और आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो कायरलिटी क्या चीज़ है? कायरलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ असिमेट्री। ये एक असिमेट्री प्रॉपर्टी है जो काफ़ी सारे ब्रांचेस में, साइंस के ब्रांचेस में यूज होती है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। सो तो कायरलिटी क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम इज़ अ कायरल इफ़ इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स मिरर इमेज। तो यहाँ हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में नॉर्मली जो कार्बन सेंटर होता है, जो चार अलग अलग सब्सटिट्यूएंट से जॉइंट होता है, वो कायरल सेंटर कहलाता है। क्योंकि उसकी अगर आप मिरर इमेज लोगे और वो ओरिजिनल इमेज पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी, इसलिए उसे हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं और उस पर्टिकुलर कार्बन एटम को कायरल सेंटर कहते हैं। सो और जो दो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती है उनको हम एनांशियोमर्स बोलते हैं। सो इधर मैंने दो एनांशियोमर्स दिखाए। फर्स्ट वन इज़ पैरेंट मॉलिक्यूल है, उसकी मिरर इमेज दी हुई है साइड में, और वो मिरर इमेज नीचे हमने उसके ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रही है, इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूलर मिरर इमेज को हम एनांशियोमर बोलेंगे। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ एनांशियोमर। तो एनांशियोमर्स को सेपरेट करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो दोनों तो सेम मॉलिक्यूल हैं, तो उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं और लाइट के डायरेक्शन में देखते हैं, तो आपको प्लेन पोलराइज या तो राइट साइड में, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ नज़र आएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ नज़र आएगा। तो अलग अलग एनांशियोमर अलग अलग डायरेक्शन में उसको रोटेट करते हैं, इसीलिए उनको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। उनका 3D एग्जिस्टेंस इसके लिए ज़िम्मेदार है। प्रैक्टिकली हम दो एनांशियोमर को एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से आइसोलेट डिटरमाइन करते हैं, पर आज हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरेटिकल मेथड के बारे में। सो हमको उसको RS प्रीफिक्स देना है एंड RS नॉमिनिक्लेचर करने के लिए क्या रूल्स है उसके बारे में हम डिसीजन लेंगे। ये थ्योरेटिकल मेथड है। इसमें जो कायरल कार्बन है, जो चार अलग अलग सब्सटिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, उस हर सब्सटिट्यूएंट को अपने को एक प्रायोरिटी नंबर देना पड़ेगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4। फिर हम क्या करेंगे, उस प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक इस तरह से एक कर्व बनाएंगे। वो कर्व अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो मॉलिक्यूल आर एनांशियोमर होगा, और अगर वो कर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो उस एनांशियोमर को हम एस एनांशियोमर कहेंगे। तो अभी प्रायोरिटी किस तरह से देते हैं उसके रूल्स है। तो पहला रूल ये है कि द कायरल कार्बन अटैच टू एटम फ्रॉम सब्सटिट्यूएंट हैविंग अ हाई एटॉमिक नंबर विल कंसिडर फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब कायरल कार्बन को कनेक्टेड जो अलग अलग एटम्स हैं उनमें से जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है वहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसलिए सल्फर थायोल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। बाद में सेकंड प्रायोरिटी OH ग्रुप को मिलेगा, थर्ड प्रायोरिटी NH2 ग्रुप को मिलेगा। तो इस तरह से हमने एक कर्व ड्रॉ किया है 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक, जो कि हमारा आता है एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये एग्जांपल है एस एनांशियोमर का। इसी तरह दूसरा रूल है द कायरल कार्बन अटैच टू सेम एटम फ्रॉम सब्सटिट्यूएंट देन द पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच टू अनदर एटम हैविंग अ हाई एटॉमिक नंबर विल बी कंसिडर एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। सो रूल सेम है दोस्तों, फर्स्ट रूल के जैसे ही सेकंड रूल है, सिर्फ यहाँ पर चेंज इतना ही है कि जो हमारा कायरल सेंटर है वो सेम एटम को अगर अटैच है, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वहाँ पे अपना कायरल सेंटर 3 कार्बन एटम को अटैच है, तीनों ही कार्बन है, तो इसलिए उसको प्रायोरिटी डिटरमाइन करने के लिए जो सेकंड कार्बन है वो किसको, मतलब कौन से सेकंड एटम को अटैच है, उस एटम का अगर एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीजन है सेकंड एटम, जो कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, इसलिए हमने अल्कोहल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। अमाइन को सेकंड प्रायोरिटी जाएगी और थर्ड प्रायोरिटी मिथिल ग्रुप को जाएगी, इसलिए ये आएगा एस एनांशियोमर। तीसरा रूल ये है दोस्तों,
कि अगर हमारा कायरल कार्बन सेंटर, कायरल कार्बन सिर्फ अल्किल चेन्स को, अलग अलग तरह के अल्किल चेन्स को अटैच है, तो उस समय क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ऑफ कोर्स उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। देन उसके बाद में दो नंबर पे आएगी इथिल और तीसरे नंबर पे हमने मिथिल को प्रायोरिटी दी हुई है। तो इस तरह से अगर हमने कर्व ड्रॉ किया एक से लेके तीन, दो तीन तलक, तो कर्व आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये आएगा आर एनान्शियोमर। अब चौथे रूल में क्या है दोस्तों, अगर कार्बन मतलब कायरल कार्बन अटैच है सेम कार्बन को, पर उसके बाद में वो कार्बन दो कार्बन को अटैच है या तीन कार्बन को अटैच है, तो उस हिसाब से भी हमारे प्रायोरिटी चेंज होगी। तो टर्शियरी ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, उसके बाद में आइसो ग्रुप आएगा, उसके बाद में एन अल्किल चेन आएगी। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी देंगे, तो टर्शियरी ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, उसके बाद में आइसोप्रोपाइल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी और थर्ड प्रायोरिटी इथिल ग्रुप हो जाएगी। इस तरह से अगर हमने उसको प्रायोरिटी दी, तो एक से तीन तलक हमने कर्व ड्रॉ किया है यहाँ पर, और उस वो कर्व है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये आएगा आर एनान्शियोमर। और आखिरी रूल ये है दोस्तों कि आपको अगर कोई एग्जांपल दिया गया है और उसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबो द प्लेन होगा, प्लेन ऑफ पेपर होगा, तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई एग्जांपल आता है, तो हमें पहले के रूल्स के हिसाब से प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में हमें वन टू थ्री करके, वन से लेके टू से लेके थ्री तक एक कर्व ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ड्रॉ किया हुआ है, वो कर्व है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कर्व आता है तो हम उसको एस एनान्शियोमर बोलते हैं, पर यहाँ पे चूँकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबो द प्लेन है, तो हमको एस कॉन्फिगरेशन को आर कॉन्फिगरेशन में चेंज करना है, मतलब गिवन कंपाउंड ये आर एनान्शियोमर है। ऐसे ही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो वो आर एनान्शियोमर होता है, पर अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबो द प्लेन है तो वो एस एनान्शियोमर होगा। तो इस तरह से ये पाँच रूल है आर एस कॉन्फिगरेशन असाइन करने के दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों फर्दर अपडेट्स के लिए, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। थैंक यू